आज मैं आपके व्यूज जानना चाहता हूं उन मिसकंसेप्शंस के बारे में जो कई लोग मोटिवेशन को लेकर रखते हैं। लोग अब भी ये बिलीव करते हैं कि ये एक लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन है। मैं अक्सर मजाक में कहता हूं कि काम ऐसे करो जैसे कोई मोटिवेशन ही ना हो। बाकी लोग सिचुएशन को एक्नॉलेज करते हैं और अपने काउंटर पार्ट्स को सिंपली बोलते हैं कि जस्ट गेट बैक टू वर्क। अब जब हम यह सब जान गए हैं, हमें इसे सॉर्ट करना होगा और वापस बिजनेस पर लौटना होगा। अपनी बातें सुनना बंद करो, पॉडकास्ट से उतरो। यहां मेरे प्रैक्टिकल डूस और डोंट्स हैं। सोशल मीडिया पर ज्यादा समय मत बिताओ। जो भी चीजें तुम्हारे आसपास हो रही हैं उन्हें एलिमिनेट कर दो। वापस अपने माइंड वर्कशॉप में जाओ, क्योंकि वहीं पे नॉलेज प्रोड्यूस होती है। 1 सेकंड डिसीजन कुछ ऐसा है जिसे मुझे इस रेस के दौरान कई बार एंड्योर करना पड़ा। ये रेस अकेले मुझे 100 घंटे से ज्यादा ले गई, और यही बात लोग समझ नहीं पाते। इस रेस को कंप्लीट करने के लिए, चाहे मैंने रेस पूरी नहीं की, लेकिन मैंने इसे एक्सपेक्टेड टाइम के अंदर पूरा किया। मेरे लिए इसमें बहुत गर्व की बात है। उदाहरण के लिए, हेल वीक के कॉन्सेप्ट्स के एप्लीकेशंस इस 30 घंटे तक चलते हैं। ये एग्रीगेट में बहुत सारे सेकंड्स होते हैं। अगर तुम हर सेकंड जीतते हो लेकिन 1 सेकंड हार जाते हो तो तुम हार गए। तुम बेसिकली पूरी चीज उतने समय में हार सकते हो जितना एक आंख झपकने में लगता है। ये 1 सेकंड डिसीजन को ठीक से बताता है। 1 सेकंड का डिसीजन। तुम एक ऐसी जगह पर हो जहां जिंदगी तुमसे एनर्जी खींच रही होती है। एग्जाम्पल के लिए, तुम एक्सट्रीम कोल्ड वाटर में हो और हर बार एक वेव तुम्हारे सिर पर आती है। तुम्हारे जीने की उम्मीद तुम्हारे आंखों के सामने होती है। तुम्हारा थॉट प्रोसेस होता है, ये मुझे ये कहना पड़ेगा, काफ़ी अनकंफर्टेबल है, मुझे इस पानी से निकलना पड़ेगा। ये हेल वीक है और ये पहला घंटा है 130 घंटों में से। पहले लोगों का रिलेशनशिप एक जोवियल एक होता है, गन साउंड्स होते हैं, ऐसा लगता है जैसे एक पेप रैली में जा रहे हो। तुम हाइप्ड अप हो, तुम्हारे दोस्त लिंक्ड आर्म्स के साथ खड़े हैं और तुम्हें स्प्रेड किया जा रहा है। ये एक पेप रैली की तरह होता है, जैसे इंस्ट्रक्टर्स तुम्हें गालियां दे रहे होते हैं और गन फायर, बॉम्ब नॉइजेस, कंकशन ग्रेनेड्स और ब्लैंक से M60 मशीन गन, ये सब हाइप है। लेकिन फिर वे इसे ट्रंप कर देते हैं, वे सभी ब्लैबिंग बंद कर देते हैं, ये बहुत शांत हो जाता है। वे तुम्हें सर्फ जोन में ले जाते हैं, जिसे वे सर्फ टॉर्चर कहते हैं। पैसिफिक सबसे ठंडा पानी है सभी ओशन में से। ये लिटरली ऐसा लगता है जैसे तुमने अपना हाथ सीधे नरक में डाल दिया हो। अब कोई पेप रैली नहीं है, इसे बंद करो और असली दुनिया में वापस आओ। तुम अपने भाइयों के साथ, अपनी बाहों के साथ खड़े हो। उनकी स्टे की ड्यूरेशन नहीं जानी जा सकती और यह एक को असुरक्षित बनाती है। तुम वहां लेटे हो और वह पहली टाइडल वेव तुम्हें एनवलप करती है। तुम्हारा मन बस दूसरे घंटे से सीधे उस तक कूद जाता है जो 130 घंटे दूर है। तुम 5 दिन भी यह सहन नहीं कर सकते। तुम स्ट्रेस्ड हो और निश्चित रूप से तुम फाइट और फ्लाइट स्थिति में हो। ठंड है और तुम अपनी कार में बैठे हो और सोचते हो, मैं इतनी देर तक ठंड में नहीं रह सकता। यही वह जगह है जहां 1 सेकंड डिसीजन आता है। तुम सभी रैशनल और लॉजिकल चाहत और आवश्यकता खो देते हो उस विशेष जगह में होने की। तुम्हें सील बनने, अपने राज्य की रक्षा करने, अपने राष्ट्र की रक्षा करने या उस शाइनी गोल्डन एम्बलम की परवाह नहीं होती। तुम्हें केवल घर वापस जाने की इच्छा होती है जैसा तुमने चाहा था। तुम्हें गर्मी चाहिए, कुछ निबल करने के लिए एक बकेट चाहिए और तुम्हारी लड़की जिससे तुम क्लिंग कर सको। उस 1 सेकंड में तुम्हें जो सोचने को मिलता है वह कंफर्ट है। यही वह जगह है जहां लोग हार जाते हैं। उस 1 सेकंड में हम में से प्रत्येक फक इट और क्विट करना चाहता है। जब वह 1 सेकंड आता है तो तुम्हें जो करना होता है वह समझना कठिन होता है, क्योंकि दर्द पूरी तरह से नियंत्रण कर लेता है। तुम रैशनली सोच नहीं सकते, फाइट और फ्लाइट तर्कसंगत नहीं होता। यह तुम्हें उन पलों में मदद नहीं करने वाला है जब तुम्हें टफ बनना होता है। जब ये 1 सेकंड एस्क्रीम इफेक्टिवली की बात आती है तो ज़्यादातर लोग वह शॉट नहीं लगाते। उस 1 सेकंड में मैं शारीरिक रूप से पानी में रहता हूँ, लेकिन मानसिक रूप से मैं पानी से बाहर हूँ, इंस्ट्रक्टर्स के साथ सोशलाइजिंग करता हूँ। इसलिए
वे अपने पार्कास और कॉफी के साथ गर्म होते हैं, वे इसके थ्रू जा चुके होते हैं। अब तुम्हारी बारी है, इसलिए मानसिक रूप से मैं उनके साथ वापस आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरा पार्का है। ये वह समय है जब मैं सही सोच रहा हूँ, क्योंकि अब मैं मानसिक रूप से गर्म हूँ। मैंने उस एक सेकंड का उपयोग ये सोचने के लिए किया, अभी क्विट न करें, अपने ऑप्शंस पर विचार करें। यदि तुम इसे छोड़ते हो तो कहाँ होगे, तुम खुद से क्या कहोगे? ज़रूर तुम गर्म हो जाओगे। जैसे ही तुम पूल से बाहर निकलोगे, एक शावर लो और 5 दिनों में तुम बाहर हो। मैं अपने दिमाग को सेटल करता हूँ। तुम्हारा सिर बस भटकना चाहता है, बेल को हिट करना चाहता है, हेलमेट को पुश करना चाहता है और जैकेट पहनना चाहता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो तुम वास्तव में इसके लिए डन हो। ये वे ऑप्शंस हैं जिन्हें 1 सेकंड डिसीजंस की स्थिति में तुम्हें कंसिडर करना है। ये तुम्हारे थॉट्स का अधिकार पाने, एक रियलिटी चेक लेने और ये चुनने का मामला है कि तुम जीवित रहना चाहते हो या नहीं। कुल मिलाकर लगभग 130 घंटों के जीवन के स्पैन में एक व्यक्ति इनमें से कई 1 सेकंड डिसीजंस लेगा। तुम्हें बस उन्हें मैनेज करना है, क्योंकि अगर तुम इनमें से किसी 1 सेकंड डिसीजंस में फेल होते हो तो तुम सील, डॉक्टर, लॉयर या जो भी तुम बनना चाहते थे वह नहीं बन पाओगे। उन्हें पता नहीं होता कि डिसीजन लेने के लिए 1 सेकंड कितना क्रूशियल होता है। यह सब हेड के बारे में है। ये कहना या कम से कम सोचना आवश्यक है, आई रन दिस, और अधिक असर्टिव होना।